दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस रोक लगाने की याचिका एक्टर के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज कराई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुशांत के पिता ने इस याचिका में प्रोड्यूसर्स से एक्टर का नाम कैरी केचर का इस्तेमाल करने से इनकार किया है। अब इस याचिका पर 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुशांत के पिता ने 2 हफ्ते पहले इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म उनके बेटे की छवि खराब कर रही है। हालांकि हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या ये फिल्म रिलीज हुई है या नहीं। ये फिल्म 11 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी थी। पीठ ने कहा, अगर फिल्म रिलीज हो चुकी है तो क्या उसे पलटा जा सकता है, और अगर रिलीज नहीं हुई है तो इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है। सुशांत के पिता के एडवोकेट जयंत मेहता ने जब कहा कि फिल्म रिलीज नहीं हुई है, वहीं डायरेक्टर की तरफ से मौजूद एडवोकेट चंद्रलाल ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जिसके बाद फिल्म के रिलीज होने की कंफर्म जानकारी पता करने के बाद सुनवाई करने का फैसला किया गया था। सुशांत के जीवन पर बनी फिल्में बनाकर उनके बेटे का नाम खराब करने की वजह से एक्टर के पिता के सिंह ने याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि उनके बेटे का नाम मनोरंजन के लिए लिया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 जून को सुशांत इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए थे। सुशांत केस की जांच में अभी भी तीनों एजेंसियां लगी हुई हैं। सुशांत के निधन को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने खुद अपनी जान दी थी या उनकी जान किसी ने ली थी।